हाय एवरीवन, गुड इवनिंग दोस्तों। यहाँ पे पढ़ेंगे अपन स्टाफ नर्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में से। और दोस्तों यहाँ पे हिंदी सिलेबस और हिंदी बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी संरचना श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो ऑप्शन है ए फेरिंग्स, बी ब्रोंकस, सी है लैरिंग्स और डी है हायोड बोन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा डी रहेगा दोस्तों, ये श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, जबकि फेरिंग्स, ब्रोंकस और लैरिंग्स ये तीनों श्वसन तंत्र के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फेफड़ों में रुधिर वाहिनी, तंत्रिका तथा ब्रोंकस का प्रवेश किस स्थान से होता है? तो ए है कार्डियक नोड, बी है अपेक्स, सी है बेस और डी है हाइलम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सेकंड का डी रहेगा, हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मांसपेशी के सूक्ष्म द्वारा इंस्पिरेशन होता है? तो ए है आंतरिक इंटरकोस्टल, बी है डायफ्राम, सी है बाहरी इंटरकोस्टल और डी है ए तथा सी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, डी है ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलपूर्वक किया गया एक्सपिरेशन क्या कहलाता है? तो ए है फोर्सेड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, बी है मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो और सी है टाइडल वॉल्यूम और डी है वाइटल कैपेसिटी। तो इसका जो फोर का राइट आंसर है क्या दोस्तों, जो बलपूर्वक एक्सपिरेशन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, फोर्सेड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेफ्ट लंग में लोब की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है ए फर्स्ट, बी सॉरी ए है एक, बी है दो और सी है तीन और डी है चार। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बी, दो लोब रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान एक्सपायर्ड एयर में CO2 का कितना प्रतिशत होता है? तो ए है 4%, बी है 0.4% और सी है 0.47% और डी है 3%। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, ए रहेगा 4%। नेक्स्ट है, एक्सपायर्ड एयर में O2 का कितना प्रतिशत रहता है होता है? तो ऑप्शन है ए 12%, बी 12%, सी 16%, डी है 21%। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, सी रहेगा, जो कि एक्सपायर्ड एयर में CO2 का प्रतिशत जो रहता है 16% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभरा हुआ एडम्स एप्पल किस में पाया जाता है? ए पुरुषों में, बी महिलाओं में, सी बच्चों में, डी बुजुर्गों में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों ए रहेगा, एट का पुरुषों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में आवाज का स्तर किस पे निर्भर करता है? ए कार्ड की लंबाई पे, बी कार्ड के सिकुड़न पे, सी है कार्ड में पड़ने वाले दबाव पर और डी है माउथ के आकार पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, सी है कार्ड में पड़ने वाले दबाव के कारण जो मनुष्यों में आवाज का स्तर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, ट्रेकिया में ऊपरी भाग का कौन सा अंग जुड़ा है? ए है लैरिंग्स, बी है ब्रोंकस, सी है इसोफेगस, डी है थायराइड ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, लैरिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकिया में मिलने वाले उपास्थ के छल्लों का आकार कैसा होता है? दोस्तों जो ट्रेकिया रहती है, ट्रेकिया आप लोगों को पता होगा डायग्राम में इस तरह से रहती है, तो उसमें जो उभार बना रहता है किस आकार का रहता है? ऑप्शन ए में है वी आकार, बी में है सी आकार, डी में है ओ आकार और सॉरी सी में है ओ आकार और डी में है जे आकार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, बी रहेगा, सी आकार रहेगा दोस्तों, इस तरह से ट्रेकिया में आकार बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं ब्रोंकस हेतु कौन सा कथन सही नहीं है? ए है यह बाएं की तुलना में अधिक चौड़ा होता है, बी या 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, सी या बाएं की तुलना में अधिक लंबा होता है, डी है या ज्यादा सीधा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है दोस्तों, सी है, यह बाएं की तुलना में अधिक लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्फे टेंट किससे संबंधित है? तो ए है श्वसन से, बी है पाचन से, सी है यूरिन से और डी है हार्मोन से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, ये श्वसन से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में सर्फेक्टेंट का क्या कार्य होता है? तो ए है एल्बुलाई को सुखाने से बचाता है, बी है पृष्ठीय तनाव को कम करता है, सी एल्बुलाई सिकुड़न से बचाता है, डी उपरोक्त। तो उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, उपरोक्त सभी है, क्योंकि ये श्वसन में पाया जाता है दोस्तों और ये एल्बुलाई को सूखने से बचाता है और जो पृष्ठीय तनाव रहते हैं उसको कम करता है और उसको सिकुड़न से बचाता है एल्बुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटरकोस्टल मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? ए पसलियों के सामने, बी पसलियों के मध्य में,
सी वर्टिब्रा के मध्य में और डी मस्तिष्क में। तो दोस्तों जो इंटरकोस्टल है वो कहाँ पाई जाती है, पसलियों के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संरचना द्वारा वक्ष तथा उदर गुहा को अलग किया जाता है, ए डायफ्राम, बी अमाशय, सी हृदय और डी पसलियां। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, डायफ्राम के द्वारा जो अपना वक्ष और उदर गुहा एब्डोमेन कैविटी, और वक्ष गुहा मतलब दोस्तों जो चेस्ट वाली कैविटी रहती है ऊपर वाली, और नीचे एब्डोमेन वाली कैविटी रहती है, उसके बीच में जो डायफ्राम रहता है वो दोनों को अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये रहेगा डायफ्राम। नेक्स्ट, इंस्पिरेशन समय अवधि कितनी रहती है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, उससे पहले ऑप्शन देख लिए, ए 4 सेकंड, बी है 1 सेकंड, सी है 2 सेकंड और डी है 3 सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है सी रहेगा, 2 सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ए है इंस्पिरेशन सक्रिय प्रक्रिया होती है, बी एक्सपायरेशन सक्रिय प्रक्रिया होती है, और सी है इंस्पिरेशन निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, और डी है उपरोक्त सभी हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए रहेगा, इंस्पिरेशन सक्रिय प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोरिसेप्टर का उत्तेजन कब हो जाता है, ए है O2 दबाव कम होने पर, बी है CO2 दबाव कम होने पर, सी है O2 दबाव अधिक होने पर, और डी है CO2 दबाव अधिक होने पर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, डी रहेगा, जब CO2 दबाव अधिक होगा तब कीमोरिसेप्टर क्या होंगे, उत्तेजन बढ़ जाएगा उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेशन से क्या तात्पर्य है, ए भोजन को तोड़ना, बी भोजन को आंत्रे में गतिविधि, और सी है भोजन ग्रहण करना, और डी है भोजन में रासायनिक परिवर्तन आना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, भोजन ग्रहण करना। जब अपन भोजन को क्या करते हैं, अंदर मुंह में डालने के बाद अंदर लेते हैं दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या होता है, ए गुदा एनस, बी है इंटेस्टाइन, सी है रेक्टम मलाशय, और डी है स्टमक आमाशय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, ए रहेगा, एनस रहेगा। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का सहायक अंग नहीं होता, ए अग्नाशय पैनक्रियाज, बी आमाशय स्टमक, सी लार ग्रंथि सेलिवे ग्लैंड, और डी है लीवर यकृत। तो यहाँ पे दोस्तों जो पाचन तंत्र हैं, जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सहायक नहीं है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर रहेगा, यहाँ पे स्टमक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत की किस परत में तंत्रिकाओं का गुच्छा होता, गुच्छा मेसेंट्रिक फ्लेक्सस में पाया जाता है, ए बाहरी परत, बी म्यूकोसा में, सी मांसपेशी परत में, डी है सब म्यूकेशा में। जो तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, सी रहेगा, मांसपेशी परत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्टाल्टिक गतिविधि से क्या तात्पर्य है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो ऑप्शन है भोजन को आगे खिसकाना, बी है भोजन का पाचन होना, सी है भोजन का तोड़ना, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या रहेगा, भोजन को आगे खिसकाने का काम रहेगा। जो आते रहती दोस्तों, तो ये आते अपनी ऐसे 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 चलती रहती हैं ये अंदर अपने स्टमक में, तो उस समय जो चलती हैं तो जो खाना रहता है वो क्या होता है, केचुए की आकार दोस्तों, केचुआ अपने चल बारिश में होने वाला केचुआ जो होता है वो जिस तरह से चलता है उसको देखा होगा, जिस तरह से वो चलता है उसी तरह से आंतों का भी मूवमेंट अंदर होता रहता है, और उसी को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रहती कहलाती है, और जिसमें भोजन को आगे बढ़ाने में ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाचन तंत्र में पैरा सिंपैथेटिक तंतुओं के उत्तेजन से कौन सी क्रियाविधि संपन्न होती है, ए है स्राव निकलना, बी मांसपेशी का फैलाव, सी है मांसपेशी सकुचन, डी है ए तथा सी दोनों। तो इसपे जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, ए तथा सी दोनों रहेंगे, जिसमें क्या रहता है, स्राव का निकलना और मांसपेशी का सकुचन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माउथ तथा चीक के मध्य का स्थान क्या होता है, ए तालू पैलेट, बी है वेस्टिबुल, सी है मसूड़े गम, और डी है दांत टीथ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, 26 का, जो कि माउथ और चीक का मध्य का स्थान होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वेस्टिबुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दांत का वह भाग जो मसूड़ों से ऊपर निकलता है होता है क्या कहलाता है,
ए इनेमल, बी पल्प, सी क्राउन, डी रूट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, सी रहेगा, क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्प कैविटी को चारों ओर से कौन सा कवर करता है, ए सीमेंट, बी रूट, सी डेंटाइन और डी है क्राउन। तो इसके जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, डेंटाइन रहेंगे, जो कि पल्प कैविटी को चारों ओर से कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसोफेगस कहाँ स्थित होता है, ए स्टमक के नीचे, बी ट्रेकिया के आगे, सी है ट्रेकिया के पीछे और डी है ट्रेकिया के नीचे। तो इसके जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, ट्रेकिया के पीछे रहेगा। इसोफेगस जो रहता है दोस्तों, इसोफेगस जो अपनी ट्रेकिया रहती है इस तरह से, यहाँ पे ट्रेकिया रहती है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे इसोफेगस जुड़ा रहता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ट्रेकिया के पीछे है, और ट्रेकिया दोस्तों इस तरह से उभार जो रहता है आपके गले में, पता ही होगा, उसी को ट्रेकिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर के समान रहेगी। तो दोस्तों आमाशय का जो आकार रहता है वो किस तरह के रहेगा, जो ये अपना स्टमक रहता है दोस्तों, स्टमक का डायग्राम आप सभी ने बनाया होगा, तो इस तरह से जब अपन डायग्राम बनाते हैं तो कौन से आकार का रहेगा, तो ऑप्शन है ए एल, बी जे, सी यू और डी है आई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जे रहेगा, जे के आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम कब सक्रिय होता है, ए पीएच 5 से ज्यादा, बी पीएच 7 से ज्यादा, सी पीएच 7 से 7 पर और डी है पीएच 1.5 से 3.5 पर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, यदि पीएच क्या रहेगा 1.5 से 3.5 पर हो जाएगा तो पेप्सिन एंजाइम सक्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ए है ओरोफेरिंग्स हवा तथा भोजन हेतु मार्ग बनाता है, बी है गैस्ट्रिन का स्त्राव गैस्ट्रिक अवस्था में होता है, सी म्यूकस द्वारा स्नेहक प्रभाव डाला जाता है, डी है गैस्ट्रिक का स्त्राव पीएच 1.5 से कम पर रुक जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, बी रहेगा, गैस्ट्रिन का स्त्राव गैस्ट्रिक अवस्था में होता है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्ली द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो ए भोजन का पाचन, बी भोजन का मेटाबॉलिज्म, सी है सरफेस एरिया में वृद्धि और डी है भोजन की गतिशीलता। तो दोस्तों बिल्ली का क्या रहता है, बिल्ली का रहता है सरफेस एरिया में वृद्धि करना, तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल में बिलरुबिन किस अवस्था में निकाला जाता है, तो दोस्तों जब स्टूल पास किया जाता है तो अपने शरीर में जो बिलरुबिन और बिलबर्डिन बनते हैं, बाइल प्रोडक्ट हैं दोस्तों ये दोनों, और जो अनयूजेबल रहते हैं, जो यूज में नहीं आते हैं, उनको क्या होता है, अपने शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो कौन सी अवस्था में बाहर निकाला जाता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है यूरो बिलरो जेन, बी है नार बिलिनोजेन, सी है बाइल और डी है स्ट्रे को बिलिन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी रहेगा, स्ट्रे को बिलिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक कर्म में कौन सी संरचना स्थित होती है, ए ट्रेकिया, बी पित्ताशय, सी यकृत और डी है अग्नाशय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, आंतरिक कर्म में कौन सी संरचना स्थित होती है, तो अग्नाशय रहेगा, और अग्नाशय को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय का एंडोक्राइन कार्य क्या होता है, ए है इंसुलिन तथा ग्लूकोज उत्पादन, बी है बाइल का उत्पादन, सी है बाइल का स्त्राव और डी है अग्नाशय रस का स्त्राव। तो दोस्तों जो अग्नाशय, जैसा कि अभी पहले बताया हूँ, पेनक्रियाज का एक जो क्राइन का आकार क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 36 का अग्नाशय रस का स्त्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कफर कोशिका का क्या कार्य होता है, ए है फैटी एसिड तोड़ना, बी है वसा का पाचन, सी है फॉरेन पार्टिकल भक्षण और डी है ग्लूकोज का पाचन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, फॉरेन पार्टिकल का भक्षण करना, फेगोसाइट ऑफ फॉरेन पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन तंत्र का टिश्यू लेयर का बाहर से होता है अंदर की तरफ तो कैसा क्रम होता है, ए म्यूकेसा, फिर फर्स्ट में है ए म्यूकेसा, सब म्यूकेसा और मांसपेशी बाहरी परत, बी है म्यूकेसा, सब म्यूकेसा, बाहरी परत मांसपेशी, सी है बाहरी परत मांसपेशी म्यूकेसा सब म्यूकेसा और डी है बाहरी परत मांसपेशी म्यूकेसा एवं सब म्यूकेसा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा,
सी रहेगा, लेकिन ये इसका जो लेयर है, लेयर के बारे में, स्टमक लेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए और याद आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में परमानेंट टीथ का कौन सा सूत्र सही है? ए है 21:23/21:23, बी है 12:23/12:23, सी है 31:22/31:22, डी है 32:21/32:21। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, ए रहेगा, परमानेंट टीथ का सूत्र जो रहेगा 21:23/21:23, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई कहाँ स्थित होता है? ए है डेडिनम, बी है जेजिनम, सी है स्टमक और डी है इसोफेगस। तो इसके जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, ए रहेगा, डेडिनम में, जो कि स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटेस्टाइनल जूस द्वारा मुख्य एंजाइम कौन सा निकलता है? तो ए है एमाइलेज, बी है पेप्सिन, सी है लाइपेज और डी है एंडोक्राइनेज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, एंडोक्राइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकेजोन का क्या कार्य होता है? ए ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलना, बी है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, सी है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना और डी है ग्लूकोज को नया निर्माण करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ग्लूकेजन का, तो ये रहेगा दोस्तों ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल डक्ट में रुकावट से किसका पाचन प्रभावित होता है? ए इम्यूनो एसिड, बी है कार्बोहाइड्रेट का, सी है वसा का और डी है प्रोटीन का। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो कि बाइल डक्ट में रुकावट और पाचन को प्रभावित करता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी रहेगा, वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित नहीं करता है? ए एस्ट्रोजन, बी थायरोक्सिन, सी है एपिनेफ्रिन और डी है कोर्टिसोल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, ए रहेगा एस्ट्रोजन। है इन द मसलो हियरार्की ऑफ नीड द पोर्शन हैविंग सी डी नोट्स। तो दोस्तों ये जो पिरामिड दिया गया है मसलो हियरार्की का, तो इसमें जो ये सी है क्या डिनोट कर रहा है दिए गए ऑप्शन में, तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी डी और ई, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे जो आपके पास में ऑप्शन है 5, फर्स्ट में है ए सेल्फ स्टीम, सेकंड है सेफ्टी एंड सी ओ टी नीड, थर्ड है सेल्फ एक्चुलाइजेशन, फोर्थ है डी है फिजियोलॉजिकल नीड और ई है फिफ्थ लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी का, लव एंड बिलोंगिंगनेस रहेगा। और इसका मैं आपको डायग्राम एक और क्लियर दिखा देते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है, आप यहाँ देख सकते हैं ए में जो दिया गया है सेल्फ एक्चुलाइजेशन है, सेकंड बी में है स्टीम्स और सी में है लव एंड बिलोंगिंगनेस और डी में है सेफ्टी होम एंड स्वीट होम और ई में है फिजियोलॉजिकल नीड जिसमें फूड वाटर एंड स्लीप शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द गाइनिकोलॉजिकल प्रोसीजर शोन इन द डायग्राम। तो दोस्तों जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के अनुसार गाइनिकोलॉजिकल प्रोसीजर में क्या किया जा रहा है, कौन सा सिंपल लिया जा रहा है, तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ए है पेप स्मियर, सेकंड है बी टेस्ट और थर्ड सी है स्वाब कलेक्शन फॉर वेजाइनल डिस्चार्ज, डी है पंच बायोप्सी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ए है बायोप्सी, सॉरी पेप स्मियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों यहाँ पे जो ये इंस्ट्रूमेंट डायग्राम दिया गया है क्या है, इसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों लारेंजियल मास्क एयरवे है। और इसका भी डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका डायग्राम है, मास्क रियल मास्क एयरवे है, इस तरह से ये रहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है नीमोथोरेक्स, सेकंड है हीमोथोरेक्स, थर्ड है प्लूरल इफ्यूजन और फोर्थ डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज रहेगा। और इसका भी डायग्राम आपको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, इसका जो डायग्राम है आपको क्लियर इस तरह से शो होगा दिखेगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं जो इसका यूज इस तरह से लाया जाता है, ये पर्पस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्यूब। तो ये दोस्तों जो ट्यूब दी गई है इसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है, बताना है,
कौन सी ट्यूब कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन है, लिंटस नेचुलस ट्यूब है इसका ये राइट आंसर, और इसका दूसरे नाम से दोस्तों सिंस्टोन ब्लैक मोरे ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। और इसका भी आपको मैं डायग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस तरह से क्लियर दिखता है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस तरह से इसका डायग्राम क्लियर शो होता है। इसके बाद नेक्स्ट लुक द इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई, तो ये इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? तो जो ऑप्शन दिया है, फर्स्ट है ऑस्टोस्कोप, सेकंड है राइनोस्कोप, थर्ड है लैरिंजोस्कोप, फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, फर्स्ट ए रहेगा, ऑस्टोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द सॉरी विच टाइप ऑफ पेल्विस इज शोन इन द डायग्राम, दोस्तों ये डायग्राम में कौन सी पेल्विस के बारे में बताया गया है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है गायनेकोइड, सेकंड है एंड्रॉइड, थर्ड है प्लेटीप्लॉइड, और फोर्थ है डी है एंथ्रोपोइड। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, बी रहेगा, क्या है ये एंड्रॉइड है। और यहाँ पे दोस्तों ये एंड्रॉइड की तरह डायग्राम आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट है शोन इन द फिगर, दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट जो दिया गया है इसका काम क्या है, उपयोग क्या है, किसके बारे में है? तो ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, ये इस तरह से इसकी पॉइंट दी गई है, और ये पॉइंट किसके काम में आती है? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है टू अकल्ड ब्लड, बी है यूज एज ए वास्कुलर क्लैंप, और सी है टू क्लिप टॉवल, और डी है टू स्टॉप ब्लीडिंग आर्टरी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, ये टू क्लिप टॉवल। दोस्तों ये जो होती है, ये टॉवल जो होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जब पेशेंट के ऊपर टॉवल से कवर किया जाता है, उस दौरान टॉवल को क्या करते हैं, क्लिप कर देते हैं, ताकि टॉवल अपनी जगह से फिसले नहीं और ऑपरेशन करने में इजी रहता है। ये कपड़ों को ये एक दूसरे से पकड़ के रखती हैं, तो ये टॉवल क्लिप कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिट्रैक्टर आर यूज फॉर, दोस्तों ये जो रिट्रैक्टर है किस काम में आता है, क्या यूज है इसका? तो ऑप्शन देखिए जो दिए गए हैं, फर्स्ट है होल्डिंग टिश्यू टू द साइड अवे फ्रॉम द बुंड, बी है क्लोजिंग वेसल्स, सी है इंसिजन, और डी है सूचर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, ए रहेगा, होल्डिंग टिश्यू टू द साइड अवे फ्रॉम द बुंड। तो जो घाव रहता है, घाव में जब ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर क्या करते हैं, इसके जो असिस्टेंट डॉक्टर रहते हैं, इसको यहाँ से पकड़ करके, और जो अपना स्किन रहती है जहाँ से कट लगाते हैं, इंसिजन करते हैं, उसको क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं, ऐसे करके इसको इधर से स्किन को खींचते हैं, ताकि यहाँ का जो बुंड है वो अपने को क्लियर शो हो। तो इस तरह दोस्तों ये रिट्रैक्टर है, जो कि ऑपरेशन के दौरान बुंड को होल्डिंग करने के काम में, टिश्यू को होल्डिंग करने के काम में यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आइडेंटिफाई द रिट्रैक्टर शोन इन द डायग्राम, दोस्तों यहाँ पे ये जो दोनों डिटेक्टर एक ही हैं, और यहाँ पे इसका नाम पूछा गया है, तो नाम में ऑप्शन जो आपसे पूछा गया है, फर्स्ट है डॉइन एब्डोमिनल डिटेक्टर, सेकंड है डेबर डिटेक्टर, थर्ड है विल्सन डिटेक्टर, और फोर्थ है लेंज बैक डिटेक्टर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है इसका, डॉइन एब्डोमिनल डिटेक्टर रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ, दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है बायोफेजिक डिफिब्रिलेटर, सेकंड है बी है मॉड्यूलर पेशेंट मॉनिटर, सी है कार्डियो वर्जन, और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, बायोफेजिक डिफिब्रिलेटर रहेगा, इसका 12 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये जो इसमें ये टूथ रहते हैं दोस्तों, इनको टूथ फोर्स से भी इस तरह से जोड़ते हैं, और दिए गए ऑप्शन में क्या ऑप्शन है अपने पास में, फर्स्ट है एलिस फोर्सेप, सेकंड है रिचार्डसन फोर रिट्रैक्टर, और थर्ड डी है सॉरी सी है कोचर फोर्सेप, और डी है बिकॉक फोर्सेप। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, ये कोचर फोर्सेप कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं अभी स्टेट है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, दोस्तों ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है नीडल होल्डर, सेकंड है ओवम होल्डिंग फोर्सेप, थर्ड है हेगार डायलेटर, और डी है एलिस फोर्सेप। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, बी रहेगा,
ओबम होल्डिंग फोर्सेज है दोस्तों, यहाँ पे ओबम ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे इसके बीच में क्या रखा है इस तरह से ओबम, और ये इस तरह से इसमें ऑप्शन बना है इसमें ओबम होल्ड करने के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन द फोटोग्राफ। दोस्तों ये फोटोग्राफ में क्या दिया गया है इसको आइडेंटिफाई करना है, बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन देख लेते पहले, फर्स्ट है रिसाइकेबल वेस्ट, सेकंड है बायो हाजर्ड वेस्ट, थर्ड है ई वेस्ट, फोर्थ है डी है फूड वेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रिसाइकेबल वेस्ट रहेगा, और इसका दोस्तों ये रिसाइकेबल वेस्ट का जो है ये डायग्राम है, सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन द डायग्राम। दोस्तों यहाँ पे ग्राफ शोन करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ऑटोग्राफ, सेकंड है आइसोग्राफ, थर्ड है होलोग्राफ, और फोर्थ डी है जीनोग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, आइसोग्राफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपोजर फॉर विजुलाइजेशन ऑफ। तो ये दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है इस तरह से, तो ये किसके काम में लिया जाता है, क्या देखने के काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है वजाइना, सेकंड यूट्रस, थर्ड रेक्टम, फोर्थ है नाना ऑफ द एवा। तो दोस्तों इसका जो यूज लिया जाता है तो रेक्टम यूज, मतलब रेक्टम देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन द फोटोग्राफ। तो दोस्तों इस सिंबल को जो फोटोग्राफ में दिया गया है क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है रेडिएशन हाजर्ड, सेकंड है बायो हाजर्ड, थर्ड है साइटोक्सिस वेस्ट, और फोर्थ है डी है बायो ग्रेडेबल वेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, ये रेडिएशन हाजर्ड रहेगा। और ये दोस्तों जब आप अपन एक्सरे या तो फिर सीटी स्कैन ऐसे सेंटर में आप जाते हैं तो आपको इसके मेन गेट में जहाँ एंट्री होती है वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह से सिंबल लगे हुए। तो आप ध्यान दिए होंगे, यदि नहीं दिया है तब नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल को मेडिकल से जुड़ी हुई चीज़ों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैथेटर। तो दोस्तों इस कैथेटर का नाम आपको बताना है, और ये सबसे कॉमनली यूज में लाया जाता है, सभी को पता होगा। तो इसको दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइएगा, इसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये मीटिंग हो रही है इस तरह से, और यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाता है एक दूसरे से, तो कौन सा कम्युनिकेशन है यहाँ पे, हेल्थ कम्युनिकेशन में कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सबसे फर्स्ट दिया गया है सिंपोजियम, सेकंड है फोकस ग्रुप इंटरव्यू, थर्ड है पैनल डिस्कशन, और फोर्थ डी है वर्क शॉप। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या रहेगा, सी रहेगा पैनल डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलोबरेट द सिंबल। दोस्तों यहाँ पे ये सिंबल बताया गया है, इसको आपको इलोबरेट करना बताना है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, सेकंड बी है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, थर्ड सी है इंडियन सॉयल इंस्टीट्यूट, और डी है इंडियन सीड इंस्टीट्यूट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, 21 का, तो यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा, ISI का मार्क्स हमेशा आप सुनते हैं, ISI का मार्क्स लगा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। दोस्तों यहाँ पे बच्चे पे जो प्रोसीजर किया गया है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या बताया गया है, फर्स्ट है VA सेंट, सेकंड है VP सेंट, थर्ड है बी है सी है LP सेंट, और डी है VPL सेंट। तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा ये सेंट कहलाएगा, तो सेकंड बी रहेगा VP सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन द डायग्राम। दोस्तों यहाँ पे जो ग्राफ बताया गया है इस तरह से इंडिकेट किया गया है, तो कौन सा ग्राफ बताया गया है डायग्राम में। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है आइसोग्राम, सेकंड है ऑटोग्राफ, थर्ड है आलोग्राफ, और फोर्थ है जीनोग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर डी रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, डी रहेगा जीनोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच एग्जामिनेशन पोजीशन डज द पेशेंट लाई ऑन हिज बैक विथ हिज नीज ड्रॉन अप एंड हिज फील फैट ऑन द टेबल। दोस्तों यहाँ पे जो ये सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेटी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि उसका जो नी ड्रॉन है, नी को ऊपर करके रखी है इस तरह से, और फीट फ्लैट ऑन द टेबल, और इसके जो फीट है यहाँ पे क्या है,
फ्लैट किए हुए हैं, तो ये कौन सी पोजीशन शो कर रही है? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है प्रोन पोजीशन, सेकंड है डोर्सल रिकम्बेंट, थर्ड है सी है फ्लोअर पोजीशन, और डी है सिम्स पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, सेकंड बी रहेगा, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ एन इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। दोस्तों इसका आइडेंटिफाई करना आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा WHO रहेगा, और यहाँ पे ऑप्शन जो है आपके सामने या फिर AO है, ILO है और यूनिसेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर। दोस्तों यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है इसके बारे में आपको बताना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्लिट लैंप माइक्रोस्कोप, सेकंड है इनडायरेक्ट ऑप्थोस्कोप, और सी है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, और डी है साइनेप्टो फोर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, डी रहेगा साइनेप्टो फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लुक एट द पेशेंट एंड आइडेंटिफाई। सॉरी दोस्तों क्वेश्चन शो नहीं हो रहा था क्लियर, इसलिए मिस्टेक हुई पढ़ने में। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई। दोस्तों यहाँ पे जो ये पिक्चर आपको हो सकता है क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे जो ये एक बच्चा है, बेबी है, यहाँ लेटा हुआ है, इस जगह पे आप देख रहे होंगे, और ये दोस्तों ये मशीन है जिसके ऊपर जब भी बच्चा डिलीवर्ड होता है उसके बाद इस मशीन में लेटाते हैं। तो कौन सी मशीन है? ऑप्शन जो दिया गया है, फर्स्ट में है रेडियंट हीट वार्मर, सेकेंड है फोटोथेरेपी, थर्ड सी है हीटर, और फोर्थ डी है एक्सरे। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, बी रहेगा फोटोथेरेपी। और आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा फोटोथेरेपी के बारे में, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द कैथेटर। इस कैथेटर के बारे में आपको बताना है, तो ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट है मेलिकोट कैथेटर, सेकंड है फोलिस कैथेटर, थर्ड है सिंटेन बेकमोरे। दोस्तों यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा सॉरी, और इसका जो है डी है ह्यूट कैथेटर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, ए रहेगा मेलिकोट कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच पोजीशन इज शोन इन द फिगर। दोस्तों यहाँ पे बेबी है जो कि पेल्विस से उसका पूरा जो स्कल वाला एरिया है पूरा टच है, जॉइंट है, इंगेज है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका कौन सी पोजीशन है आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन जो दिया है, फर्स्ट है आर ओ ए, सेकेंड है आर ओ पी, थर्ड है आर ओ टी, और फोर्थ है एल ओ ए। तो दोस्तों क्या राइट आंसर रहेगा, आर ओ रहेगा, राइट ऑक्सीपोट एंटेरियर रहेगा इसका राइट आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ 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 जो दोस्त नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।